नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं उन 10 बेहतरीन जगहों के बारे में बात करूंगा जहां हम जून में जा सकते हैं। जून गर्मी का महीना है और हम आपको सुहावने मौसम के साथ घूमने की जगह बताएंगे। नंबर 1, लद्दाख। लद्दाख दुनिया के सबसे ऊंचे इलाकों में से एक है। इसकी नेचुरल फीचर्स में मुख्य रूप से ऊंचे मैदान और गहरी घाटियां शामिल है। पर्यटकों के मुख्य आकर्षण शांति स्तूपा, थिक्से मोनेस्ट्री, ले पैलेस, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली, खरडुंगला पास, मैग्नेटिक हिल, सुमोरिरी लेक, हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख के लिए 7 से 10 दिन काफ़ी है। नंबर 2, कश्मीर। जन्नत के नाम से विख्यात प्राकृतिक सुंदर स्थानों ने इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बना दिया है। कश्मीर में मुख्य टूरिस्ट आकर्षणों में से है शालीमार बाग, निषाद बाग, ससमशाहे बाग, ट्यूलिप गार्डन, परी महल, हजरतबल दरगाह, ड्रांग वाटरफॉल, गुलमर्ग, अफरावत, सोनमार्ग, पहलगाम, आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, गदसर लेक, सतसर लेक, वाल्टल वैली, जोजेला पास। कश्मीर घूमने के लिए 5 नाइट 6 डेज काफ़ी है। नंबर 3, हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला। हिमाचल प्रदेश भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले शीर्ष पर्यटनों स्थलों में से एक है। इसमें वैलीज, माउंटेन्स, एंशिएंट मोनेस्ट्रीज, हिस्टोरिकल साइट्स, लेक्स, माउंटेन पासेस शामिल है। मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करें तो मनाली में हिडिम्बा देवी टेम्पल, सोलांग वैली, रोहतांग पास, मानू टेम्पल, ओल्ड मनाली, जोगिनी फॉल्स, बियास रिवर, अटल टनल है। और वही शिमला में मॉल रोड, कुफरी, वाइसरेगल लॉज, क्राइस्ट चर्च, हिमालयन बर्ड पार्क, कलका शिमला टॉय ट्रेन है। मनाली शिमला ट्रिप के लिए 4 नाइट्स 5 डेज काफ़ी है। नंबर 4, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भारत में सबसे सुंदर और बेहद लोकप्रिय पहाड़ों रिजॉर्ट्स में से एक है। शक्तिशाली बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों की पृष्ठभूमि के बीच दार्जिलिंग अपनी सुंदरता और सुखद जलवायु के लिए पर्यटकों के बीच लोकप्रिय रहा है। दार्जिलिंग के मुख्य आकर्षण की बात करें तो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, टाइगर हिल, बतासिया लूप, पीस पगोडा, दार्जिलिंग रंगटे वैली रोपवे, घूम मोनेस्ट्री, रॉक गार्डन, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क और मिरिक लेक शामिल है। दार्जिलिंग ट्रिप के लिए 2 नाइट्स 3 डेज काफ़ी है। नंबर 5, मसूरी। मसूरी हिल स्टेशनों की रानी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अच्छे सामाजिक जीवन और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। उत्कृष्ट जलवायु इसे एक आकर्षण हॉलिडे स्पॉट बनाते हैं। गर्मी के मौसम में छुट्टी मनाने वालों की उल्लास और आनंद में मसूरी भरा रहता है। मसूरी के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में से कैम्प्टी वाटरफॉल्स, भट्टा फॉल्स, गन हिल पॉइंट, लल टिब्बा, कंपनी गार्डन, मसूरी लेक, दलाई हिल्स और मॉल रोड शामिल है। मसूरी ट्रिप के लिए 2 नाइट्स 3 डेज काफ़ी है। नंबर 6, शिलोंग। शिलोंग में काफ़ी सारे वाटरफॉल्स है। लोगों के शिलोंग आने का प्रमुख कारण रोमांचक माउंटेन पीक्स, क्रिस्टल क्लियर लेक्स, लुभावने सुंदर गोल्फ कोर्सेस, कैफेज और म्यूजियम्स है। शिलोंग में मुख्य आकर्षणों में यूमियम लेक, कैथेड्रल ऑफ मैरी, पुलिस बाजार, एलिफेंट फॉल्स, मोलिनोंग, लेटलम कैनियन, मौसमाई केव, चेरापुंजी, वर्ड्स लेक, शिलोंग पीक, शिलोंग व्यू पॉइंट, डाउकी, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर शामिल है।
शिलोंग ट्रिप के लिए 3 nights 4 days काफ़ी है। नंबर 7 गैंगटॉक। एक सुंदर पहाड़ी डेस्टिनेशन, गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा पर्वत का अमेजिंग व्यू है। गैंगटॉक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और इसमें कई प्राकृतिक आकर्षण है। गैंगटॉक के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो नाथुला पास, एमजे मार्ग, बाबा हरभजन सिंह मेमोरियल टेंपल, हनुमान टॉक, रंका मोनेस्ट्री, बंजाकरी वाटरफॉल्स, गणेश टॉक व्यू पॉइंट, गैंगटॉक रोपवे, सोमगो लेक और ताशी व्यू पॉइंट शामिल है। गैंगटॉक ट्रिप के लिए 2 nights 3 days काफ़ी है। नंबर 8 ऊटी। इस क्षेत्र की मुख्य 4 पहाड़ियाँ क्लब हिल, एल्क हिल, डोडाबेक्ता हिल और स्नोडन हिल है। पश्चिमी घाटों का एक अपूर्णीय हिस्सा, ऊटी एक ऐसी जगह है जो अपने सरासर दृश्य भव्यता के साथ फर्स्ट टाइमर की कल्पना को आकर्षित करेगी। नीलगिरी की वेजिटेशन पहाड़ों की ऊंचाई के साथ भिन्न होती है। ऊटी के टॉप अट्रैक्शंस की बात करें तो अवलांचे लेक, ऊटी लेक, एमरल लेक, ऊटी बोटानिकल गार्डन्स, रोज गार्डन, डोडाबेट्टा पीक, पाइकरा वाटरफॉल्स, पाइकरा लेक, कमराज सागर डैम है। ऊटी ट्रिप के लिए 2 nights 3 days काफ़ी है। नंबर 9 स्पीति वैली। स्पीति वैली अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। ताबो मोनेस्ट्री स्पीति के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है। स्पीति के मोनेस्ट्रीज शानदार भित्ति चित्रों, प्राचीन मंदिरों और कई स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। स्पीति के मुख्य आकर्षणों में ताबो मोनेस्ट्री, कुंजुम पास, काजा, धनकार लेक, नाको लेक, धनकार मोनेस्ट्री, जीव मम्मी, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस सिक्किम, स्पीति रिवर, कोमिक, किब्बर है। स्पीति ट्रिप के लिए 7 nights 8 days काफ़ी है। नंबर 10 नैनीताल। नैनीताल आकर्षक हिमालयी झील शहर, एक परिपूर्ण हिल स्टेशन है और उत्तरी भारत में सबसे लोकप्रिय में से एक है। आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स के रूप से जाने जाने वाला नैनीताल कुमाऊँ हिमालय में समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल के मुख्य आकर्षणों की बात करें तो नैनी लेक, टिफिन टॉप, स्नो व्यू पॉइंट, मॉल रोड नैनीताल, इको केव गार्डन्स, हाई ऑल्टीट्यूड जू, टिबेटन एंड भूटिया मार्केट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल रोपवे शामिल है। नैनीताल ट्रिप के लिए 2 nights 3 days काफ़ी है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।